Dear parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, students. Welcome to the Unique Online Classes. Today, class is 9 and subject is science. Topic is matter and states of matter. First of all, the definition of matter. Definition of matter. Everything matlab pratyek cheez which occupies space, have mass or weight and have volume is called matter. मतलब वो सभी चीज़ें जो हम दैनिक रोज़मर्रा में यूज करते हैं, वो सभी चीज़ें जो हम देखते हैं, फील करते हैं, वो सभी चीज़ें जो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को, वो सभी चीज़ें जिसमें वेट होता है, वो सभी चीज़ें जिसमें वॉल्यूम होता है, वो सब चीज़ें मैटर कहलाती हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है. सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं. थर्ड है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं. आकर्षित करेंगे तभी तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अदरवाइज वो जुड़े नहीं रह सकते. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैटर. फर्स्ट है प्योर मैटर. प्योर मतलब शुद्ध मैटर, मेडअप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, मतलब केवल एक ये एक प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ क्या कहलाएगा, प्योर मैटर कहलाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे इसमें से गोल्ड एंड आयरन, सिल्वर ये सब है. नेक्स्ट आता है इम्प्योर मैटर. इम्प्योर मतलब अशुद्ध, मेडअप ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स का मतलब अलग अलग प्रकार के हो गए, जैसे कि सोइल, सोइल में बहुत प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिका पाई जाती है, दूसरे सिलिकन ऑक्साइड्स भी होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है, दूसरी गैसेस भी होती है. ठीक इसी प्रकार से एयर भी एक मिक्सचर है, कोल्ड ड्रिंक में भी पानी भी होता है, एसिड भी होता है, कलर भी होता है. तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ मैटर. चलो अब नेक्स्ट आगे आते हैं. नेक्स्ट आता है अपना स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स मतलब अवस्था, किन किन प्रकारों में पाया जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स. फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक रूप को यदि आधार मान के चले तो ये तीन भागों में बांटा गया. नंबर वन है सॉलिड. ए मैटर हैव डेफिनेट शेप, मतलब एक ऐसा मैटर जिसकी निश्चित शेप हो, डेफिनेट शेप, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निश्चित हो. हैव हाई डेंसिटीज, और डेंसिटी भी हाई हो, कॉल्ड सॉलिड, वो सॉलिड कहलाएगा. तो सॉलिड को वैसे ठोस बोलते हैं, हम सब जानते हैं सॉलिड क्या होते हैं, जैसे स्टोन, पत्थर है, पेंसिल है, पेन है आदि. नेक्स्ट आता है लिक्विड. लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं पाया जाता लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है. देखिए हम जब घर में बहुत सारी लिक्विड चीज़ें, जैसे कि दूध है, मिल्क, मिल्क में जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी बर्तन का मतलब शेप ले लेगा, लेकिन
उसका वॉल्यूम निश्चित होता है, जैसे कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लाइक दैट। तो डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, तो लिक्विड में डेंसिटी सॉलिड से कम पाई जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से उसकी स्टेट लिक्विड होती है, फ्लूइड होता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, ऑयल, केरोसिन, मिल्क, ईटीसी, ये सब है। नेक्स्ट आता है गैस। गैस गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब गैस में ना तो डेफिनेट शेप पाई जाती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा होता रहता है। एंड गैस हैव मिनिमम डेंसिटी, और गैस में बहुत कम डेंसिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर में यहाँ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुत सारी गैसेस है, आप सब जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के सभी ये जो मैंने बातें बताई हैं मैटर के बारे में, ये सब भी आपको समझ में आई होंगी। एंड यू विल राइट एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।